अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैरियत से उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देखिए, बहुत सारी मेरी वो छोटी बहन बड़ी बहन जो भी है वो पूछ रही थी कि आप कपड़े जो सीते हैं वो कौन वाली मशीन पे सीते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम हाथ वाली ही मशीन से दोस्तों हम कपड़ा सीते हैं। तो यही मेरी मशीन है, इसी पर हम आप जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे सारा चीज़ हम इसी पर करते हैं। एक हाथ से हम मशीन चलाते हैं दोस्तों, दूसरी हाथ से हम अपने कपड़े को एडजस्ट करते हैं। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से मशीन को चलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, रात में जब हम मशीन को रख देते हैं तो सारे पर तेल डाल के पूरे पर तेल लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। सुबह में देखिए दोस्तों मेरी मशीन की, देखिए कितना मेरा हल्का मशीन होता है। तो देखिए दोस्तों मेरा मशीन इतना हल्का होता है कि आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हम कैसे करते हैं। देखिए इतना मेरा ये इसका चक्का फ्री है दोस्तों, इतना हम इसे हम हिफाजत के साथ रखते हैं कि ये मशीन मेरा बहुत ही हल्का चलता है, इसलिए इस पर कपड़ा सीने में हमको बहुत दिल लगता है दोस्तों। तो चलिए इस पर और भी हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम एक हाथ से तो इस पर होगा नहीं, तो यहाँ से हम अपने धागा को भरते हैं। सबसे पहले उसका धागा को लगा देते हैं, उसका जैसे कपड़ा सीते हैं दोस्तों उसी तरीका से हम इस पर सब काम करते हैं। तो धागा लगाने के लिए यहाँ से दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दोस्तों हम एक हाथ से मशीन चला के और यहाँ से ही धागा हम लगा लेते हैं। और बाद बाकी तो आप मेरे मशीन का लुक देख ही रहे हैं, कितना ये प्यारा कितना ये खूबसूरत लग रहा है मेरा मशीन। तो इसी पर आज हम जो भी सियेंगे एक हाथ से, हम आपको सी के पूरे मशीन का हम आपको दिखला रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम ये धागे की रील को हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद ये भी हम आपको वीडियो बता चुके हैं दोस्तों, देखिए दो तीन दफ़ा इसमें हम पहले लगा लेते हैं। अब बात रहा कि एक हाथ से आप मशीन किस तरीके से चलाते हो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये जो धागा था दोस्तों, इसको हमने इस तरीके से करके इसमें देखिए हमने डाल लिए हैं। डालने के बाद इसको ये जो पेच है दोस्तों, इसे हम एक औली की मदद से इसे हम पकड़ लेते हैं। तब देखिए एक हाथ से हम किस तरीके से धागा दोस्तों भर रहे हैं। तो देखिए मेरा धागा कितना अच्छा से कितना प्यारा से एकदम आप लोग भी देख सकते हैं, एकदम कसा हुआ धागा भर दिए हैं। अब ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये हम सब हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम आपको अब कपड़ा सी के ही बताएंगे। वहाँ लगा दिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमने धागा लगा दिए हैं। अब धागा जो मेरा नीचे का हुआ उसे हम ये धागे को भी पकड़ के इस तरीके से, देखिए ये मेरा धागा भी बाहर आ गया है। अब देखिए हम आपको एक हाथ से इस तरीके से हम आपको कपड़ा सीने के लिए बताएंगे, एक हाथ से हम मशीन भी चलाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमने वेलवेट का पैंट कटिंग कर रखे थे, तो उसको हम सी के हम आपको दोस्तों बता रहे हैं। तो देखिए एक हाथ से, एक हाथ की बात है दोस्तों, तो देखते रहिएगा कि हम किस तरीके से। और एक बात और दोस्तों बता रहे हैं, ये जो है छोटी मशीन की यहाँ से बड़ी छोटी सिलाई होती है, तो आप लोग यहाँ से इसे बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम मीडियम साइज पर रखेंगे, इसलिए ये वेलवेट का है, तो इस पर अगर बहुत बारीक सिलाई ये जल्दी खिसकता नहीं है दोस्तों। तो देखिए एक ही हाथ से हम सारा काम, जो भी हम मेरा वीडियो में जो भी कुछ देखे होंगे, गले पर डिज़ाइन है, मुहरी का डिज़ाइन है, तो देखिए इसी तरीके से हम पूरे कपड़े को हम इसी तरीका से सी देंगे। तो देखिए दोस्तों अब आ गई रुमाली की बात, जो हम रुमाली भी देखिए इस पर लगाएंगे तो इसी तरीका से लगाएंगे। और दोस्तों एक बात और, इसके ऊपर नीचे करने का दोस्तों पीछे से सिस्टम है जो हम आपको दिखलाएंगे अभी।
तो बड़ी मशीन में छोटी मशीन में फ़र्क होता है दोस्तों। उसमें सारे चीज़ होता है कि जहाँ पे पैर रखती है वहीं पर सारा सिस्टम रहता है, इसमें नहीं रहता है। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ ये रुमाली को इसमें हम लगा लिए हैं। तो देख सकते हैं ये दोनों तरफ हमने रुमाली इस पे इधर इस साइड भी लगा लिए हैं। तो आप लोग को तो पता है रुमाली पैंट हो या सलवार हो, एक ही पल्ला में दोनों तरफ लग जाता है। तो देखिए हमने दोनों तरफ लगा दिए हैं। अब दूसरी वाली पल्ले को हम इसी तरीके से जोड़ के फिर हम आपको दिखला रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक पल्ले में जो रुमाली लगाए थे, ये मेरी दूसरी वाली पल्ला है। तो उसमें हम ये रुमाली की साइड वाली इस तरीके से इसमें हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। दोस्तों ये काला है इसलिए आप लोगों को भी समझ में आएगा नहीं, तो ये ब्लैक के वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर हम फिर सीधी सिलाई दोस्तों इस पर लगा लेंगे। वो भी देखिए हम हाथ वाली ही मशीन से, जो भी हम फिर हम आपको बोल रहे हैं कि हाथ वाली और पैर वाली और मोटर वाली मशीन का कोई मसला नहीं है दोस्तों। बस आदमी को दिल में हौसला रहना चाहिए कि हमको सिलाई करना है तो सारी चीज़ खुद ब खुद ही आ जाती है। तो देखिए, तो इसी तरीके से हम पूरी पैंट को हाथ वाली मशीन से ही सी लेंगे। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, और जिसने सब्सक्राइब कर रखे हैं उसको तो दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रखे होंगे दोस्तों वो मेरे वीडियो को पूरा देखा करें। तो देखिए बस, अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें हम लास्टिक लगाएंगे दोस्तों, और बाद बाकी लास्टिक भी हम इसी मशीन से लगाते हैं। कोई मेरा खींचने वाला नहीं रहता है, हम हाथ वाली ही मशीन से लास्टिक भी लगा लेते हैं, जो भी हम आपको दिखलाए हुए हैं पहले भी। तो इसी तरीके से हमने दोस्तों सिलाई कर लेते हैं, सारा काम इसी पर कर लेते हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। अब मेरे वीडियो में इसी तरीका से आप लोग बने रहिए। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। और ये मेरी मशीन कैसी लगी वो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा।